हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल बेसिक कोर्स। पिछले वीडियो में हमने सर्वेइंग के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग के बारे में। बेसिक दो फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं सर्वेइंग के। पहला है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट और दूसरा है लोकेशन ऑफ पॉइंट बाई मेजरमेंट फ्रॉम टू पॉइंट ऑफ रेफरेंस। इन दोनों के बारे में हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। इन सर्वेइंग लार्ज एरियाज अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल पॉइंट आर आइडेंटिफाइड एंड दे आर लोकेटेड विद हाई प्रेसिशन। इस प्रिंसिपल के आधार क्या होता है, जब हम लार्ज एरिया को सर्वे कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ कंट्रोल पॉइंट्स यानी कि कंट्रोल स्टेशन भी जिसको कहते हैं, उसका एक सिस्टम को आइडेंटिफाइड करते हैं और उसको लोकेट करते हैं हाई प्रिसिशन के साथ, उसको लोकेट करते हैं। देन सेकेंडरी कंट्रोल पॉइंट्स आर लोकेटेड यूजिंग लेसर प्रिसाइज मेथड। फिर हम सेकेंडरी कंट्रोल पॉइंट और सेकेंडरी कंट्रोल स्टेशन लोकेट करते हैं यूजिंग लेसर प्रिसाइज मेथड। द डिटेल ऑफ द लोकलाइज्ड एरिया आर मेजर्ड एंड प्लॉटेड विथ रिस्पेक्ट टू द सेकेंडरी कंट्रोल पॉइंट। जो भी एरिया हमने लोकलाइज्ड किया, लोकेट किया, उसको मेजर करते हैं हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंडरी कंट्रोल पॉइंट जो हमने लोकेट किया, उसके रेस्पेक्ट में हम उसको मेजर करते हैं उस एरिया को और उसको प्लॉट करते हैं शीट में। तो इसी को कहते हैं, दिस इज कॉल्ड वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। दिस प्रिंसिपल इन सर्वेइंग हेल्प इन लोकलाइजिंग द एरर। इस प्रिंसिपल से हमें एरर निकालने में मदद मिलती है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सेकेंड प्रिंसिपल हमारा, लोकेशन ऑफ पॉइंट बाय मेजरमेंट फ्रॉम टू पॉइंट ऑफ रेफरेंस। इसमें क्या होता है, कंट्रोल पॉइंट्स आर सिलेक्टेड इन द एरिया एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज मेजर्ड एक्यूरेटली। जो एरिया में हम सर्वे कर रहे हैं वहाँ कंट्रोल पॉइंट्स को सिलेक्ट करते हैं और उसके बीच का डिस्टेंस एक्यूरेटली मेजर करते हैं। द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट इज प्लॉटेड टू द स्केल ऑफ ऑन ड्राइंग शीट। ये दो कंट्रोल पॉइंट्स को जब हमने सिलेक्ट किया उसके बीच जो लाइन ज्वाइन हो रही है उसको हम लोग ड्राइंग शीट पे प्लॉट करते हैं ऑन स्केल। नाउ द डिजायर्ड पॉइंट यानी कि न्यू स्टेशन कैन बी प्लॉटेड बाय मेकिंग सुइटेबल मेजरमेंट्स फ्रॉम द गिवन कंट्रोल पॉइंट। अब जो हमें न्यू स्टेशन यानी कि न्यू पॉइंट प्लॉट करना है वो हम प्लॉट कैसे करेंगे, जो गिवन कंट्रोल पॉइंट है उससे हम सुइटेबल मेजरमेंट लेकर प्लॉट कर देंगे। द न्यू स्टेशन आर लोकेटेड बाय लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट और बाय बोथ। जो हम न्यू स्टेशन लोकेट करेंगे वो लीनियर मेजरमेंट से भी कर सकते हैं हम लोग या फिर एंगुलर मेजरमेंट से भी कर सकते हैं या फिर दोनों के आधार पे। अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सर्वेइंग। ये दो प्राइमरी टाइप है सर्वेइंग का, प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग। पहले देखते हैं हम लोग प्लेन सर्वेइंग। प्लेन सर्वेइंग इज दैट टाइप ऑफ सर्वेइंग इन विच द मीन सरफेस ऑफ अर्थ इज कंसिडर एज अ प्लेन एंड द स्फेरॉइडल शेप इज नेग्लेक्टेड। प्लेन सर्वेइंग में क्या होता है, ये एक टाइप का सर्वेइंग है जिसमें हम अर्थ के सरफेस को प्लेन कंसिडर करते हैं, यानी कि हम ये कंसिडर करते हैं कि अर्थ का जो सरफेस है बिल्कुल प्लेन है, ये स्फेयर नहीं है। इसका स्फेरिक शेप जो है उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। ऑल ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय सर्वे लाइंस आर कंसिडर्ड प्लेन ट्रायंगल्स। जो भी हम सर्वे में जितने भी ट्रायंगल्स लाइन कंसिडर करेंगे वो सब प्लेन ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। द लेवल लाइन इज कंसिडर्ड स्ट्रेट एंड ऑल प्लम्ब लाइन आर कंसिडर्ड पैरेलल। जो भी हम लेवल लाइन कंसिडर करेंगे वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर लेंगे और जितने भी प्लम्ब लाइन है वो हम पैरेलल कंसिडर करेंगे। इट इज़ सुइटेबल फॉर स्मॉल एंड फ्लैट एरियाज एंड इट्स डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज कंपेरेटिवली लो। प्लेन सर्वेइंग जो है वो स्मॉल और फ्लैट एरिया के लिए सुइटेबल है और इसका जो एक्यूरेसी है वो भी काफ़ी कंपेरेटिवली लो है, जियोडेटिक सर्वेइंग से लो है एक्यूरेसी इसका। नेक्स्ट आ जाता है हमारा जियोडेटिक सर्वेइंग।
Geodetic surveying is that type of surveying in which the shape of earth is taken into account. इसमें क्या होता है, जियोडेटिक सर्वेइंग में हम जो अर्थ का शेप है उसको हम लोग स्फेरिकल शेप को ही कंसिडर करते हैं. ऑल लाइन्स लाइंग इन द सर्फेस आर कर्व लाइन एंड द ट्राइंगल आर स्फेरिकल ट्राइंगल. जितने भी लाइन हम कंसिडर कर रहे हैं वो कर्व लाइन कंसिडर करेंगे और जितने भी ट्राइंगल्स हैं उसको हम लोग स्फेरिकल ट्राइंगल्स कंसिडर करते हैं. इट देयर फॉर इन्वॉल्व स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री. तो इसमें इस सर्वेइंग में हमें स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री भी इन्वॉल्व हो जाता है. इन जियोडेटिक सर्वेइंग लार्ज डिस्टेंस एंड एरिया आर मेजर्ड एंड इट्स डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज कंपैरेटिवली हाई. जियोडेटिक सर्वेइंग में हम लार्ज डिस्टेंस और लार्ज एरिया को मेजर करते हैं और इसकी एक्यूरेसी जो है वो प्लेन सर्वेइंग के कंपैरेटिवली हाई है. तो थैंक यू, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट वीडियो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग का होगा. तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को.